अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे झटपट बनने वाला बैंगन की सब्ज़ी। बनाना बहुत ही आसान है, इस तरीके से बनाएंगे तो। बैंगन को अच्छे से धो के पीसेस में कट करके मैंने फ्राई कर लिया है। अभी बीच में से हरी मिर्च को काटेंगे और इसको भी फ्राई करके हम निकाल लेंगे। इसको इसे हाफ फ्राई करना है। अब इसमें हम तेज़पत्ता, दो दालचीनी, 1 टेबल स्पून जीरा और हींग थोड़ा सा ऐड करेंगे और अच्छे से मसाले को भूनेंगे। अब इसमें कूटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। इसको भी अच्छे से सॉटी होने तक का फ्राई करेंगे। सॉटी हो चुका है। अब इसमें हम एक कांदा को प्यूरी कर लिया है, इसको ऐड करेंगे। इन सभी को अच्छे से चलाएंगे हम। अब यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च और ज़ीरा कूटा हुआ, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बादाम को रोस्ट करके पीस लिया था, वो थोड़ा सा ऐड करेंगे। इन सभी को अच्छे से चलाएंगे। अब इसमें हम 2 टमाटर के प्योरी ऐड करेंगे, इसको भी अच्छे से हम मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। सभी मसालों को अच्छे से भून लेंगे हम। इसको इतना भूनना है इसमें से तेल छोड़ देगा। देखिए तेल छोड़ चुका है। इसमें अब हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से भूनना है हमें। इस तरीके से अगर सब्जी बनाएंगे तो सभी को पसंद आएगा, और बच्चे बैंगन नहीं खाते उसको भी ये रेसिपी पसंद आएगा। देखिए बिल्कुल ऐसे ही क्वांटिटी में रहना चाहिए। उसके बाद हम बैंगन को ऐड करेंगे। मिर्ची और बैंगन सभी को ऐड करके अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और नए हो तो बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अब इसको हम 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे। देखिए बनके तैयार हो चुका है। अब इसमें हम गार्निश के लिए कोथमीर ऐड करेंगे। देखिए बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। एक बार आप ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को।